हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टाइम। और आज का जो मेरा वीडियो होगा वो आपकी उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती और जो हुई थी परीक्षा दिसंबर में, उससे रिलेटेड है। और देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। तो इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम अगर इसकी इसके मुख्य विषय पर ध्यान देते हैं तो इसमें लिखा है कि उप निरीक्षक पुलिस महिला पुलिस और महिला के समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती जो 2016 के अंतर्गत ऑनलाइन परीक्षा के अंतर्गत जो प्राप्त आपत्तियां थी उसके निराकरण के संबंध में ये सूचना जारी की गई है। तो और ये सूचना अभी 27 तारीख को ही जारी की गई है आज। तो देखते हैं सूचना में इन्होंने क्या बोला है। अगर हम इस सूचना पर मुख्यतः ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं यहाँ से, तो इसमें दिया है, अगर आप पहला पैरा देखेंगे तो उसमें पुरानी सूचना है। तो देखते हैं मुख्य सूचना कहाँ से है। उक्त संशोधन के उपरांत कई प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में स्पष्ट त्रुटियाँ पाई गई हैं, जिसका परीक्षण और निराकरण बोर्ड द्वारा पुनः कराया गया। इन त्रुटियों के परीक्षण निराकरण के उपरांत पुनः गलत प्रश्नों उत्तर विकल्पों पहले प्रश्न तो ऐसे ऐड किए गए हैं, ऐसे गलत प्रश्न जिन्हें निरस्त किया गया है। दूसरे ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर विकल्पों को परिवर्तित किया गया था, ठीक है। तीसरे ऐसे प्रश्न हैं जिनके एक से अधिक उत्तर विकल्प सही थे, इनका विस्तृत और विवरण सूची जो है अभ्यर्थी के अवलोकनार्थ दिनांक 29 मतलब परसों 29 मार्च 2018 को अपराह्न 2 बजे मतलब दोपहर 2 बजे से दिनांक 31 मार्च 2018 रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की साइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो भी आपत्तियां दर्ज करवाई थी रिवाइज आंसर की के बाद, उसके बाद जो बोर्ड था परीक्षा बोर्ड, उन्होंने पुनः इसका अवलोकन किया है। इसके बाद वो लोग 29 तारीख को दोबारा आपका एक आंसर की जो आपकी आपने जो उत्तर भरा था वो दोबारा ये लोग जारी करेंगे 29 तारीख से 31 तारीख तक रहेगी वो आपकी उस पर। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत है तो उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को यदि उक्त प्रदर्शित प्रश्न उत्तर विकल्पों के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो वो आपत्ति बोर्ड को ईमेल आईडी दी गई है संपर्क@upppv.government.in पर 29 मार्च से 1 अप्रैल तक आप दर्ज करा सकते हैं आपको कोई भी आपत्ति होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो दोबारा आंसर की आ रही है, जो आपकी रिवाइज्ड के बाद दोबारा आ रही है, उसमें भी आपको अगर लगे कि कोई क्वेश्चन आपका गलत है या काउंट नहीं किया गया है तो आप उसके लिए इन्हें पर्सनली आप इनको ईमेल आईडी पे वो चीज़ भेज सकते हैं। लेकिन इनकी जो तारीख है एक निश्चित समय के अंतर्गत ही आपको ये चीज़ करनी होगी, 29 मार्च से 1 अप्रैल के बीच ही दर्ज करा सकते हैं आप इन आपत्तियों को। और लास्ट में ये चीज़ और देख लेते हैं कि उन्होंने इम्पोर्टेंट सूचना डाली है कि यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई टेक्निकल मिस्टेक हुई होगी तो उसका किसी को भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इस सूचना से संबंधित फिलहाल इतना ही, और आगे इस UPSI की भर्ती से लेके जो भी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आएगी मैं आपको बताती रहूँगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल कॉम्पिटिशन टाइप को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक